बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख़्वातीन हज़रात, बातचीत के साथ में एक बार फिर आपके साथ। ख़्वातीन हज़रात, ये साल की पहली वीडियो है और सबसे पहले आपको नया साल मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये साल आप सब लोगों के लिए खुशियों और खैर का बाइस बने। ख़्वातीन हज़रात, बातचीत के साथ चैनल का एक मकसद ये भी है कि मैं बर्रे सगीर के बेहतरीन शायर, अदीबों और ड्रामा नगारों और अफसाना नगारों के वर्क और उनके काम को आप लोगों के साथ शेयर करूं, उनके हालात ज़िंदगी और जो उनके मुख्तलिफ़ उनके दौर के लोग थे, उनके उनके बारे में क्या आ रहा थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि अब ये वक्त है कि बहुत सारे लोग हमारे बरसगीर के बहुत बड़े बड़े नामों को अब बिल्कुल भूल चुके हैं। तो इस चैनल से मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उन लोगों को के काम को आप लोगों के साथ शेयर करूं। उनका जो काम है वो हम सब के लिए एक मशाल राह भी है और उन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां उसका अपने काम में और अपने आर्ट को संवारने में गुजार दी। तो हमें चाहिए कि हम जहां पिकासो और शेक्सपियर और इन लोगों को याद करते हैं, वहां हमें चाहिए कि हम अपने दानिशवरों, अदीबों और शोरा को भी उतना ही ट्रिब्यूट पेश करें जितना कि हम बाहर के लोगों को करते हैं। जो नया सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूँ, इसका नाम है मिलने के नहीं नायाब हैं हम। इसकी पहली एपिसोड इंशाल्लाह जो है वो मैं थर्सडे को जुमेरात को इंशाल्लाह अपलोड करूँगा और वो पहली एपिसोड जो है पाकिस्तान बरसगीर के एक नामवर शायर जॉन एलिया के ऊपर है। तो उम्मीद है वो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ आप मेरा चैनल देखते रहिए। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जो कि मिलने के नहीं नायाब हैं हम की पहली एपिसोड होगी इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।